अच्छा स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके यस मैम। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, लोकस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, हम बात कर रहे हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है लोकस ऑफ पॉइंट होता है क्या है? अगर मैं बोलूँ लोकस ऑफ ए पॉइंट मतलब वो पॉइंट बेसिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकस की बात करूँ बेसिकली, तो वो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि वो पॉइंट ने जो भी आप बोल सकते हैं ना वे, या बोल सकते हैं जो भी पाथ फॉलो किए, जो भी जिस जिस रास्ते से वो गया है पॉइंट, उसने कुछ कंडीशन फॉलो करते वक्त जो भी रास्ता फॉलो किया है बेसिकली, उसको हम बोल रहे हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो मतलब लोकस ऑफ ए पॉइंट की बात करें, वो पॉइंट मूविंग पॉइंट है, वो मूव कर रहा है लेकिन वो कुछ कंडीशन फॉलो कर रहा है। कंडीशन फॉलो करते वक्त ऐसा मूव कर रहा है, तो जो उसने पाथ ट्रेस किया है वो पाथ को हम बोलते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। और उसकी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। तो वही हमें करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा सामने है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डबल इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, पहले तो मुझे ये बताइए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, रफ डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, रफ डायग्राम यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर यहाँ पे रेंडमली आपने लिया है, देखो रेंडमली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी, ठीक है, अगर उसके मैं कोऑर्डिनेट बोलूँ स्टूडेंट एच कॉमा के है, तो कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, कोई भी स्टूडेंट अगर बोलना चाहे ऑब्जर्व करके, तो मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देती हूँ। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे, पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे। कुछ नाम देना चाहिए तो बोल दीजिए, ये आपको पता है ओरिजिन है, यहाँ पे मैं कुछ क्यू नाम दे देती हूँ, यहाँ पे जैसे आर दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, सबको पता है ओ क्यू का डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो अभी क्योंकि जो मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से तो आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट जो मैंने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपका कोई दूसरे क्वाड्रेंट में होता या थर्ड में होता, फोर्थ में होता, ठीक है, जहाँ पे एक्स या वाई कोऑर्डिनेट कोई भी नेगेटिव हो जाते हैं, आप डिस्टेंस की बात करते हैं डिस्टेंस हमेशा नो नेगेटिव होता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ कि ये पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट पी मैंने रेंडम यहाँ पे पॉइंट लिया है और हमें क्या करना है यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो पहले तो ये समझ रहे हैं कि कोई पॉइंट लिया उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। स्टूडेंट बताइए यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है जैसे मैंने दिखाया आपको, तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात की जाए तो ये डायग्राम में तो मैंने जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, तो आप डिस्टेंस की बात की जाए तो ये ऐसा लिखेंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला आप बोलेंगे कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं दिखा देती हूँ, ओ आर की बात करें स्टूडेंट, ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो इसलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलेंगे कि मैम ये और ओ से लेके आर तक की बात की जाए, तो आप वैसे के बोलेंगे, लेकिन ये पॉइंट अगर कोई दूसरे क्वाड्रेंट में होता तो वो वाले केस में अगर मैं डिस्टेंस पूछती यहाँ पे, तो वो वाले केस में आप क्या बताती यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ के, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ओ एंड आर का डिस्टेंस, ठीक है। प्लीज बताइए मतलब आर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है कैसे, उसके कोऑर्डिनेट है जीरो कोमा के, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पॉइंट पी ऐसे मिला है जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला पॉइंट ओ का और आर का डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ के ले रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते तो आप ऐसा लिखते ओ क्यू को एच दिखाते ना सब लोग ऐसा, ठीक है, अभी के लिए एच दिखाते, लेकिन मैंने बताया ये पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो एक बार वापस से इरेज करके दिखा देती हूँ, देखो ये आप लिख सकते हो के, क्योंकि अभी जो डायग्राम बनाए उसके हिसाब से ओ क्यू की बात की जाए तो आप एच बोलेंगे, ये वाला भी आप के बोलेंगे स्टूडेंट, ये वाला एच बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ओ क्यू एंड ये जो पी आर है पैरेलल दिख रहा है, ठीक है, ओ क्यू और पी आर का लेंथ बराबर हो जाएगा क्योंकि आपने पी से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है स्टूडेंट। डायग्राम में देखिए ये वाले केस में क्या हो रहा है, पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस ना देख लीजिए, ये वाला डिस्टेंस जो मैं अभी येल्डो से दिखाया, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आपका के आया, लेकिन ये पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो अगर मैं बोलूं पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो आप क्या बताएंगे, मॉडुलस ऑफ के, मतलब पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, ये हो गया एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस। किसी को डाउट है इसमें, अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछू पॉइंट पी का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये वाले केस में तो आप एच बताएंगे, अदरवाइज
ये पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे? पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस आप बताएंगे मोड ऑफ एच, मतलब क्या हुआ, पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसका मॉडुलस आप बता रहे हैं पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? पक्का यस मैम। ना? ओके, तो ये वाला जो मैंने अच्छा लिखा था ये इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्वेश्चन में लिखना है, इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट का लोकस बताना है, ठीक है, जो ऐसा मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डबल रहेगा इस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे? लेट पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट हम एच कोमा के ले रहे हैं स्टूडेंट, बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, क्योंकि यही पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है, क्योंकि मूविंग पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के लिया है, बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, एनी पॉइंट ऑन द लोकस। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन में दिया है वो सब यूज करके हमें क्या दिया है, ठीक है, और ये पूरा चीज लिखना चाहे तो लिख दीजिए, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डबल इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाले केस में स्टूडेंट बात की जाए पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहे, तो ये हो गया मॉडुलस के, पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ रहा है मॉडुलस ऑफ एच, ये हमें मिला। स्टूडेंट कोई और अननोन दिख रहे हैं आपको? नहीं, एच और के ही दिख रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे एच एंड के को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स एंड वाई से। ठीक है, सो ऑन रिप्लेसिंग क्या करते हैं, ऑन रिप्लेसिंग यहाँ पे एच कॉमा के बाई एक्स कॉमा वाई रिस्पेक्टिवली वीक है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारी बुक में तो डायरेक्टली उन्होंने जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई लिया है, लेकिन हमने क्या है एच कॉमा के लिए, बाद में सारे अननोन मतलब रिमूव हो जाए एलिमिनेट हो जाए उसके बाद हम एच एंड के को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स एंड वाई से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वो पॉइंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑन रिप्लेसिंग एच कॉमा के बाई एक्स कॉमा वाई रिस्पेक्टिवली वी गेट, यहाँ पे मिलेगा आपको मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। किसी को डाउट है ये हो जाएगा आपका विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, मतलब यहाँ पे क्या बोल रही, जो मूविंग पॉइंट था उसने जो जो पाथ फॉलो किया है कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ये कंडीशन जो दी हुई थी, तो वो पाथ का इक्वेशन आप ऐसा लिखेंगे मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बता दीजिए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखा है ये तो कॉमन है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो रफ डायग्राम बना लेते हैं, आपको वो पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2, और साथ में बोला है लेंथ ऑफ ए बी कितने है, 4 यूनिट्स, ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये भी साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे ओके नीचे दिख नहीं रहा है, तो ये हमारे पास ओरिजिन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बोला है जो लाइन सेगमेंट ए बी की बात करे स्टूडेंट, वो उसका लेंथ 4 यूनिट दिया है, और जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाइक करना चाहिए, बी पॉइंट चाहिए वाई एक्सिस पे। तो बना लेते हैं ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पे ओके यहाँ पे बना लेते हैं ऐसा, लाइन सेगमेंट ए बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास कोई पॉइंट ए है। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताइए जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस की क्या खासियत है, सबको पता है प्रॉपर्टी कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट ए के कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, तो जैसे स्मॉल ए कॉमा 0, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया है पॉइंट ए क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा 0, तो आप इससे कोऑर्डिनेट चाहे तो स्मॉल ए कॉमा स्मॉल 0 लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल ए कॉमा 0, ठीक है, एंड यहाँ पे पॉइंट बी है स्टूडेंट, ये क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट को आप चाहे तो बी ले लीजिए, कुछ और लेना है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है? ओके नो मैम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है,
ओके यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है पी, ठीक है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, जिसके क्या दिया है वो बेसिकली सेगमेंट ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट हम एच कोमा के ले रहे हैं। वापिस से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, ये पॉइंट मूव कर रहा है बहुत सारी बुक में, स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई डायरेक्टली लिया हुआ है, बाद में हम रिप्लेस तो कर रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग में इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि, क्योंकि जो भी अननोन है वो हमें रिमूव कर लें, उसके बाद हम एच और के को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, किसी को डाउट रहेगा? अच्छा, आपने 11th में लोकस के क्वेश्चन नहीं पढ़े क्या? आपका एनसीईआरटी बुक में लोकस नहीं दिया हुआ है क्या? अच्छा दिया हुआ है ना, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस हमारी बुक में तो लोकस भी नहीं है। अच्छा लोकस है ही नहीं, अच्छा हो सकता है कि उन्होंने नहीं दिया। बेसिकली स्टूडेंट जो कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं ना, उनकी डेफिनेशन आप देते हैं ना, तो ऐसा लोकस की बात करते कि बताओ, हम बोलते हैं जैसे बात कॉनिक सेक्शन की अगर डेफिनेशन भी करते हैं तो बोलते हैं कि जो इन जनरल अगर मैं कॉनिक्स की डेफिनेशन भी लिखती हूँ, इट इज ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट, ऐसा लिखते हैं, तो वहां पे भी लोकस वर्ड आता है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा एनसीईआरटी बुक में, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि लोकस मीनिंग इसका क्या होता है ये आपको समझ में आए। जैसे अभी सर्कल का भी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो हम चाहे तो लोकस के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट को आप रेडियस बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, लोकस है क्या, बेसिकली कोई मूविंग पॉइंट है, कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, उस वो पॉइंट है कुछ कंडीशन फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो वो मूविंग पॉइंट ने जो जो पाथ फॉलो किया है, ठीक है, वो पाथ को हम बोल रहे हैं लोकस, ठीक है, समझ में आ रहा है, लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको पॉइंट पी, यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एच कोमा के लिए है, बहुत सारी बुक में स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग बाद में रिप्लेस तो कर ही रहे हैं क्योंकि इक्वेशन लिखनी है ये मूविंग पॉइंट की, ठीक है, ये मूविंग पॉइंट की लोकस की इक्वेशन आपको लिखनी है। अच्छा स्टूडेंट अभी क्या दिया है हमारे पास, हमें इतना दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, तो मतलब आपको मिल रहा है पी ए अपॉन पी बी, ये आपको कितना दिया है स्टूडेंट, 1/2, ठीक है। और साथ में इसके साथ में क्या क्या पता है आपको, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी लेंथ आपको दिया है 4 इंच, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ दी है 4, तो यहाँ से आप, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉइंट पी है ये, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने अभी एच कोमा के माना है, ये मूविंग पॉइंट, ये पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। और ये भी पता है कि ये पॉइंट लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो लाइन सेगमेंट ए बी ना, ये भी मूव करने वाली है, मतलब जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के आपने लिखे हैं ये फिक्स नहीं है, मतलब पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट आपने लिखे 1,0, क्योंकि पॉइंट बी ने मूव किया तो डेफिनेटली ए मूव हो जाएगा। सिर्फ ये चीज याद रख रहे कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ हमेशा 4 यूनिट्स रहेगा, ठीक है। और बेसिकली पॉइंट पी है ये मूव कर रहा है, और ये पॉइंट आपको पता लाइन सेगमेंट पे, तो मतलब ये ए और बी के कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि ये पॉइंट पी मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये लाइन सेगमेंट जो ए बी है ये भी थोड़ा मूव कर रही है, तो मतलब ये जो आपने लिखे हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट स्मॉल ए कॉमा 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0, बी, ये आपका अननोन है, मतलब ये हमें फाइंड करनी, कॉन्स्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होने वाले, तो ये चेंज होने वाले, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताइए स्टूडेंट, पी ए अपॉन पी बी आपको 1/2 मिल गया है, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं? ओके मैं लिख देती हूँ, पी ए अपॉन पी बी आपको पता है 1/2, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आपके पास कुछ ऐसा है हमारे पास, बोल दीजिए रफ डायग्राम, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, नहीं एक सेकेंड मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे है आपके पास पी, यहाँ पे बी, क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, और ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था स्टूडेंट, स्मॉल ए कॉमा 0, बी के कोऑर्डिनेट माना था 0, बी, पी के कोऑर्डिनेट हमने अभी एच कॉमा के माना है, ठीक है, ये आपको पता है 1:2 है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना सब लोग, देख लीजिए
बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऐसा लिख दूं क्या मैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एच पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट एच क्या हो जाएगा, लिख लीजिए स्टूडेंट। मैंने सही लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, सही लिखा है ठीक है। तो वन को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब जीरो प्लस टू ए अपॉन आपके पास मिल रहा है वन प्लस टू, ठीक है। के की बात की जाए स्टूडेंट, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट ये आपके पास मिल रहा है वन इंटू बी, मतलब ये बी हो गया ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको टू इंटू जीरो, ये जीरो ठीक है, और यहाँ पे वन प्लस टू। तो स्टूडेंट सब लोग बताइए, सबका यही आ रहा है क्या, एच इज इक्वल टू टू ए अपॉन थ्री एंड यहाँ पे के आपको मिल रहा है बी अपॉन थ्री। समझ में आया स्टूडेंट्स, एक बार बता दीजिए सब लोग। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एच और के को हमने लिख दिया है ए और बी के टर्म्स में, क्योंकि आपको पता है ए और बी अननोन है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होने वाले हैं। सिर्फ इतना पता है जो लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ हमेशा 4 यूनिट रहेगी। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए और बी हम इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू ऐसा निकाल सकते हो। ये कहाँ पे करेंगे वो भी हम यूज करने वाले, तो यहाँ से आपका ए हो जाएगा स्टूडेंट थ्री एच अपॉन टू। देख लीजिए सही लिखा है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का वैल्यू हो गया थ्री एच अपॉन टू। यहाँ से आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू थ्री के। आप बोलेंगे मैम कहाँ यूज करें, दिखाते हैं कहाँ पे यूज करें। हमें पता है कि जो लाइन सेगमेंट है ए बी की उसका लेंथ कितना है 4, वो फिक्स रहने वाला है, वहां पे हम यूज करेंगे ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ करी, किसी ने बताया ही नहीं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ी है, ये जो मैंने लिखा है ये सेक्शन फॉर्मूला है ठीक है। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम जब अगर ए बी इज इक्वल टू 4 लेते, तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक है स्टूडेंट, बाई सेक्शन फॉर्मूला ठीक है। प्लीज बता दीजिए अगर कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, कुछ रॉन्ग लिखा है तो आप बता सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला अभी अप्लाई करते हैं, तो हमें पता है ए बी का लेंथ है ये 4 यूनिट दिया हुआ है ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ स्टूडेंट, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हमें जो मिल रहा है, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें ये मिलेगा फाइनली, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ठीक है। आप यहाँ पे ऑन स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अभी क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ए और बी को यहाँ पे जो अभी हमने लिखा था, ए को लिखा है एच के टर्म में, बी को लिखा है के के टर्म्स में, यहाँ पे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ से फिर ए और बी आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया थ्री एच अपॉन टू का होल स्क्वायर, बी हमने लिखा है थ्री के, तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्टूडेंट। सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 9/4 इंटू एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9/k² इज इक्वल टू 16। तो सिर्फ अभी h और k बाकी है, तो अभी क्या करेंगे, h और k को रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल x एंड स्मॉल y से, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट ठीक है। तो लोकस का इक्वेशन ये हो गया, समझ में आया, प्लीज बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे जिसको ओके जगह नहीं है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं एड कर देती हूँ, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, हमें ये मिला था, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन रिप्लेसिंग, ऑन रिप्लेसिंग एच एंड के बाय एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, वी गेट ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मिलेगा आपको 9/4 इंटू एच, ओके एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया है, 9/h इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है 9/y² इज इक्वल टू 16। यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो ये वाला तो आपको आना ही चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आया क्या बोला है, यहाँ पे एक चीज है कि जो पॉइंट पी है ये मूव कर रहा है, बट ये क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, बेसिकली ये जो पॉइंट पी जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर है वो लाइन सेगमेंट की लेंथ
हमेशा 4 यूनिट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल ए और कैपिटल बी पॉइंट लिया है वो मूव करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि पी मूव कर रहा है तो ये भी मूव करेगा और पी हमेशा ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, सेम ऐसा ही है, बट सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, आप बोल सकते हैं क्या दिया है, ए रोड ऑफ लेंथ एल स्लाइड विद इट्स एंड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसको इधर कर देते हैं फिर आएगा सही। तो ये हमारे पास ओरिजिन है जिसको ओ से दिखा रहे हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या बोले, एक रोड है। अच्छा, रोड सबने देखा होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोड किसको बोलते हैं स्टूडेंट, प्लीज बताइए मुझे। देखा होगा ना, जैसे आपको बोल सकते हैं लोहे का भी हो सकता है, जो एक डंडी सी रहती है ना उस टाइप में, तो बोल रहे जैसे अभी हम बात कर रहे थे वैसे ही। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा रोड है हमारे पास, यहाँ पे डायग्राम में हम देख लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या पता है, देखिए यहाँ पे जो रोड है लेंथ उसका है L, ठीक है, और ये क्या है स्लाइड विद इट्स एंड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका मतलब जो रोड है उसका एक एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो आपको ओके यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं ए, जैसे अभी क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल ए कॉमा जीरो मान लिया, ये पॉइंट बी है वाई एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0, b। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट पी है जो इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका जो मिड पॉइंट है इसका आपको लोकस फाइंड करना है। इसका अगर कोऑर्डिनेट मैंने एच कॉमा के मान लिया अभी के लिए, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए भी आपको दिया है एल, ठीक है, एल यूनिट्स बोल सकते हैं, एंड यहाँ पे जो पॉइंट पी है मिड पॉइंट है ए बी का, तो मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब ये है पी है ए और बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। पी ए अपॉन पी भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे 1/1 है, डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट में, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैं रफ में लिख के बता रही हूँ, पूरा डिटेल में आपको, क्योंकि एग्जाम में आप अगर ये चीज लिखेंगे जो एग्जाम में, तो वहां पे तो कैलकुलेशन ही करना है, वहां पे एक एक स्टेप दिखाना ही नहीं होता आपको। ठीक है, जेई मेंस की बात कर रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे, कर सकते हैं ये वाला, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेट जो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने एच कॉमा के लिया है, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ले सकते हो या एनी पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट क्या लोकस आपको निकालना है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रोड। ठीक है, लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के लिया है बी द मिड पॉइंट ऑफ, बी द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे ए बी की बात करते हैं क्योंकि रोड को हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ से बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर हम बात की जाए, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट एच हो गया, ये आपका ए प्लस 0/2 मतलब ए बाई टू हो गया। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब के, ये आपका हो जाएगा बी बाई टू। किसी को डाउट है तो देख लीजिए एक बार, 0 + a/2 एंड यहाँ पे के हो जाएगा बी प्लस 0/2। ठीक है, तो ये मिल गया, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a आपका हो जाएगा 2h एंड यहाँ से आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 2k। ठीक है, क्योंकि a और b ये जो है स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपको मूव करने वाले हैं, क्योंकि पॉइंट पी जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का या रोड का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये मूव कर रहा है क्योंकि उसका लोकस आपको निकालना है, तो ये भी मूव करेगा। सिर्फ एक चीज ये याद रखिएगा कि रोड का लेंथ हमेशा एल रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब जो पॉइंट ए पे दिख रहा है ये भी मूव करने वाला है, बी पे दिख रहा है ये ऐसा आपका मूव करते रहेगा। तो जो पॉइंट पी ने जो आप बोल सकते हैं जो पाथ फॉलो किया है वो पाथ का इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हो गया, और साथ में क्या दिया है, हमें दिया था जो ए बी है रोड उसकी लेंथ हमें एल पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या मिलेगी यहाँ पे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे लास्ट में किया था,
डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें मिलेगा ये बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्टली मैं लिख के बता रही हूँ, ये मिलेगा आपको स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से आप स्क्वेयरिंग करेंगे मतलब आपको मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। ठीक है, अभी कर सकते हैं स्टूडेंट। एंड जो यहाँ पे एल है स्टूडेंट वो फिक्स्ड है, लेंथ का आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे एल लिया है ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, लेंथ आपका फिक्स्ड है, लेकिन स्मॉल ए स्मॉल बी ये फिक्स नहीं था, ये अननोन थी तो हमने उसको रिमूव किया। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, ए और बी की जो वैल्यूज है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज 2h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से आपको बेसिकली मिल रहा है 4 टाइम्स h स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है, किसी को डाउट है अभी क्या करेंगे, एच और के को जस्ट रिप्लेस कर दीजिए, ऑन रिप्लेसिंग एच कॉमा के बाय स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई रिस्पेक्टिवली वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका इक्वेशन हो जाएगा ऑफ लोकस, और लोकस किसका निकाल रहे हैं, ये जो रोड था उसके मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मूव कर रहा है आपका, रिस्पेक्टिवली वी गेट यहाँ पे 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस समझ में आया सबको ये वाली चीज, ओके स्टूडेंट, यस ओके। तो यहाँ पे हमने सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे स्टूडेंट किया है यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया रहेगा, बताएंगे कोई रोड बोल भी सकते हैं या बोलेंगे कोई लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड एक्स एक्सिस पे दूसरा वाई एक्सिस पे है, ठीक है, और कोई पॉइंट है उसके ऊपर वो लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका आपको लोकस निकालना है। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जो भी अननोन है उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड आप इक्वेशन लिखना है उसका। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मैं होमवर्क में दूंगी, लेकिन पहले तो उसको मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, ये वाला कॉनिक सेक्शन में भी आपने एक कॉनिक में पढ़ा था इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ है स्पेशली, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा डायग्राम बनेगा इसका। कोई तो पॉइंट है आपका जैसे मूविंग पॉइंट है उसको पी मान दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे रफ डायग्राम में दिखाना चाह रही हूँ आपको, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए है 0, 2, पॉइंट दिया है बी, उसके कोऑर्डिनेट पता है स्टूडेंट 0, -2, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी बोल सकते हैं जो मूव कर रहे हैं अभी के लिए, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एच कॉमा के। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिया स्टूडेंट, रीड कीजिए, हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट, वो ऐसे मूव कर रहा है कि द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0, 2 एंड 0, -2 6 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पी ए प्लस ई डी ये हमेशा आपको कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे बेसिकली, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू 6 - PB, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा यहाँ पे, पी और ए का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पी एंड बी का निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट आएगा तो फिर बेसिकली आपको स्क्वेयर करना है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करके बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हैं पी ए का होल स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास 6 - PB का होल स्क्वेयर। ठीक है, अभी आपको जस्ट इसको सोल्व करके लिखना है, ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है स्टूडेंट, प्लीज बताइए कर सकते हैं ऐसा, एंड उसको बेसिकली अभी एच और के में मिलेगा आपको, और तो कोई अननोन दिख नहीं रहे यहाँ पे, ए के कोऑर्डिनेट पता है बी के पता है, एंड फिर लास्ट में एच और के को रिप्लेस करना है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई से, जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी, क्योंकि ये पी है जो आपका मूव कर रहा है, स्टूडेंट कर सकते हैं ना, तो ये वाला मैं होमवर्क में लिख रही हूँ, नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन मैंने आपको कंडीशन लिख दी है, सिर्फ यही बोला है कि ये जो पॉइंट पी है वो ऐसा मूव कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है, तो लिखा है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी 6 होना चाहिए, पी ए प्लस बी पी बी आपको हो गया 6। कर पाएंगे ना स्टूडेंट ये वाला चीज, बताइए कर सकते हैं ना स्टूडेंट, बता दीजिए कर पाएंगे कि नहीं, ओके इसको आप सोल्व कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया है। अभी स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, अभी हम बात करते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा है 11th में स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ये वाला एक बार मैं आपको थियोरी पार्ट मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन समझ में आना चाहिए कि है क्या ये। ठीक है,
स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए डायग्राम में, तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है हरे रंग से ना, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाया है, और आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं। ओरिजिन के अभी कोऑर्डिनेट में नहीं बात करी फ्रेंड, ये है आपका 0.0। ठीक है, समझ में आया? देख लीजिए यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है स्मॉल जीरो, यहाँ पे मतलब ओ से मैंने डिनोट किया है, और उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 0.0 होता है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, आपका जो ओरिजिन अभी 0.0 था, उसको मैंने 0.0 की जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे दिखाया ओ डैश, यहाँ पे मैं एक बार वापस से दिखाती हूँ, देखो ये व्हाइट कलर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, या चाहे तो दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, रेड से दिखाया। ठीक है, तो ये ओ को मतलब जो अभी आपको पता है ओरिजिन जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट अभी 0.0 है, अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया कोई दूसरे पॉइंट पे, और ये दूसरा पॉइंट की मैंने बोल दिया है ओ डैश, और इसके कोऑर्डिनेट अभी मैंने मान लिया सपोज h, k है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी क्या कहना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहना है कि कोई पॉइंट पी था, कोई पॉइंट हमने पी लिया रैंडमली, जिसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट थे स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। ठीक है, आप चाहे तो कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, तो हमने एक पॉइंट पी लिया है जिसका जो कोऑर्डिनेट थे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस थे स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, जहाँ पे ओरिजिन आपका 0.0 था। लेकिन अभी अगर आपने ओरिजिन को चेंज कर दिया है ओ डैश पे, जिसके कोऑर्डिनेट अभी बन गए h, k, तो ये पॉइंट जो पी था स्टूडेंट, उसका क्या है कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया है, अभी जो न्यू कोऑर्डिनेट्स की बात की है उसके न्यू कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो ये हमने माना है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, वो पॉइंट के जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, ये हमें अभी बताना है स्टूडेंट। तो क्या किया हमने, जहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट किए है ओ डैश के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट अभी हमें h, k माना है, तो बेसिकली हम क्या करें स्टूडेंट, हम ऐसी दो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो ये वाले पॉइंट ओ डैश से पास हो रही है, ठीक है, जैसे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है क्यू एक्स डैश, तो ये जो क्यू एक्स डैश लाइन है स्टूडेंट, इसको हम बोल रहे हैं न्यू एक्स एक्सिस। ठीक है, न्यू एक्स एक्सिस बोल सकते हैं यहाँ पे, और ये जो एक्सिस आपने आप लाइन जो ड्रॉ करी है, ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, समझ में आया, ओरिजिनल जो एक्स एक्सिस आप बोल रहे हैं उसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, जिसको आप बोल सकते हैं क्यू एक्स डैश, और वैसे ही आपने वाई डैश एल एक लाइन है वो ड्रॉ करी है जो ओरिजिनल वाई एक्सिस के पैरेलल थी, और ये दोनों लाइन है स्टूडेंट अभी ओ डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी अभी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहे थे स्टूडेंट, तो आप बोल रहे हैं कि जो एक्सिस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम समझने का ट्राई कर रहे हैं कि जब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0.0 थे, तो कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y थे स्मॉल x, स्मॉल y, तो वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट अभी h, k हो गए हैं, और ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अभी x, y हो गया, तो क्या रिलेशन है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स में, वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हैं हमने एक न्यू एक्सिस बनाया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको आप बोल सकते हैं एक्स डैश एक्सिस बोल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, एंड वर्टिकल एक्सिस जो आपने यहाँ पे वाई डैश एक्सिस बोल सकते हो, कैसे बनाया है, जो हमने क्यू एक्स डैश दिख रहा है स्टूडेंट, ये ओ एक्स के पैरेलल है, जो डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं बेसिकली ओ एक्स के पैरेलल मतलब ओरिजिनल एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, जिसको यहाँ पे आप बोल रहे हैं क्यू एक्स डैश, फिर यहाँ पे वाई डैश एल है एक लाइन है जो आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी है, और ये दोनों जो न्यू एक्सिस आप बोल रहे हैं न्यू लाइन है वो ओ डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया स्टूडेंट इतनी बात, बताइए समझ में आ रहा है ये वाली बात? यस मैम। अच्छा अभी क्या करें स्टूडेंट, अभी देखो जो पॉइंट पी हमने लिया था, यहाँ पे मैं एक बार रेड से दिखा देती हूँ वापस से, यहाँ पे जो पॉइंट पी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट अभी हमने स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई लिया है, ये हमने ओरिजिनल जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया था तब लिया था, तो अगर डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, पॉइंट पी पे पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप बात की जाए तो आप बोल सकते हैं हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस मिल रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं ओल्ड एक्सिस। ठीक है, अभी न्यू जो एक्सिस बन रहा है वो एक्स डैश एंड वाई डैश है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट पी हमने लिया था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई थे विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस, तो वहां से बेसिकली मैं बताने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे ओ एम। देखिए स्टूडेंट, ये ओ एम का लेंथ की बात की जाए ये स्मॉल एक्स हो गया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी डायग्राम में देख लीजिए, तो ओ एम आपका अगर एक्स है तो पी आर भी यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लीज बताइए, और यहाँ पे डायग्राम में देखिए पी एम, आपको चाहिए तो मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पे एवरीवन। देखिए यहाँ पे पी एम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पी एम आपको कितना मिल गया पॉइंट पी का, देख लीजिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, वाई लिया आपने स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ से पी और एम का डिस्टेंस हो गया वाई, और यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एक्स डैश एंड वाई डैश ये आपका न्यू एक्सिस बोल सकते हो, एक्स डैश आपका न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकते हैं, वाई डैश आपका न्यू वर्टिकल एक्सिस है, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट जो पी लिया था उसके न्यू कोऑर्डिनेट आपने बोला है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो यहाँ से अगर आप डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट, तो बेसिकली आप देखिए आपने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये डायग्राम में देखिए ओ डैश एन, ओ डैश एन के कोऑर्डिनेट क्या हो, देखो ओ डैश एन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये आप न्यू एक्सिस में ले रहे हो, तो यहाँ से ओ डैश एन की बात की जाए तो स्टूडेंट ये आपके पास हो जाएगा एक्स डैश स्मॉल एक्स डैश। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पी एन की, तो यहाँ पे पी एन का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास वाई डैश। तो बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर आपने जो ओरिजिन था जिसके स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट 0,0 थे, आपने उसको शिफ्ट किया है कोई पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट अभी एच कॉमा के बन गए हैं, और कोई पॉइंट आपने लिया था जिसके ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई थे, न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश थे, तो क्या रिलेशन यहाँ पे डायग्राम में भी देख के आपको समझ में आएगा, तो ये रिलेशन मिलता है। कहाँ पे लिखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन ये मिलता है, देखिए यहाँ पे स्मॉल एक्स किसके बराबर आ रहा है आपका एक्स डैश प्लस एच, एच कहाँ से आया स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो ओ डैश लिया है जिसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है, आप ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से देखेंगे, तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए ओ एल ये आपका एच हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप बात करेंगे ओ क्यू की या एल ओ डैश ये आपको मिलेगा के। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो एक्स आपको क्या मिल रहा है एक्स डैश प्लस एच, और जो वाई है आपको मिल रहा है यहाँ पे वाई डैश प्लस के। वापिस से बता रही स्टूडेंट, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई क्या है, कोई पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट क्या है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, और एच और के क्या है, यहाँ पे ओरिजिन आपका शिफ्ट हो गया है, ओरिजिन के न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के, तो ये रिलेशन आपको मिलता है। समझ में आया, किसी को डाउट है तो यहाँ पे डायग्राम में जस्ट ऑब्जर्व कर लीजिए आप, प्लीज बताइए समझ में आया, मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए थे स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं हमने जैसा कंस्ट्रक्शन किया है उसके हिसाब से न्यू एक्सिस के हिसाब से सेम पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट क्या बन गया है एक्स डैश कॉमा वाई डैश, क्यों, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था आपका। एवरीवन समझ में आया? यस मैम। तो ये रिलेशन याद रखना एक्स इज इक्वल टू, ये हमने मुझे लगता है एनसीईआरटी बुक में ये वाला चीज पढ़ा था क्या, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी बोल सकते हैं आप, ये वाला एक्स इज इक्वल टू। वेरी गुड स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना मैंने यहाँ पे एक्स डैश यूज किया है, बहुत सारी बुक में एक्स डैश की जगह कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई भी यूज करते हैं न्यू कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता आपने क्या यूज किया है, आप चाहे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यूज कर लीजिए कोई पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट के लिए, या चाहे तो एक्स डैश कॉमा वाई डैश यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर अभी जो रिलेशन लिखा है इसके ऊपर हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं सब लोग, यहाँ पे सेम थियरी मैंने आपको लिख के दिखाया ताकि किसी को अगर समझना हो तो क्या कंस्ट्रक्शन किया वो यहाँ पे मैंने बताया। तो बेसिकली ये चीज काम की है, x इज इक्वल टू h प्लस x डैश, y इज इक्वल टू k प्लस y डैश, एंड ये चीज स्टूडेंट हम चाहे तो यहाँ से h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, k की वैल्यू। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि कोई पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट ये है न्यू कोऑर्डिनेट ये है, तो ओरिजिन को कौन से पॉइंट पे क्या है शिफ्ट किया है, तो वहां से आप h कॉमा k की वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, ये लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन व्हेन ओल्ड एंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर गिवन कैन बी ऑब्टेंड बाय यूजिंग द सेम रिलेशन। यहां से हम लिख सकते हैं h हो गया x माइनस x डैश, k हो गया y माइनस y डैश। ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल x स्मॉल y क्या है, कोई पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, x डैश y डैश वही पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि इक्वेशन ऑफ लोकस चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन द ओरिजिन, मतलब अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है तो आपका जो लोकस का इक्वेशन मिलेगा वो भी चेंज हो जाएगा।
किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो अभी हमने जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन। स्टूडेंट बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज। यस मैम, यस मैम, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने। वेरी गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या बोले हैं, ओरिजिन को शिफ्ट किया है ये वाले पॉइंट पे। तो ये अगर मैं लिखना चाहूँ जैसा मैंने आपको नोटेशन बताया है उसके हिसाब से, तो स्टूडेंट क्या दिया है हमें, ये वाला, ठीक है। मतलब जो ओरिजिन को शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन के न्यू कोऑर्डिनेट स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के माना अभी के लिए, तो यहाँ पे आपको एच दिया है 1, के की बात की जाए तो ये हो गया 3, ठीक है। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, व्हाट आर द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ओल्ड कोऑर्डिनेट आपको दिया है कोई पॉइंट के, एक्स स्मॉल एक्स आपको दिया है 3, स्मॉल वाई दिया है आपको 6। आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एक्स डैश वाई डैश, वी हैव टू फाइंड यहाँ पे एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो क्या रिलेशन था याद है आपको, एक्स आपको स्मॉल एक्स क्या मिलता था, एक्स डैश प्लस एच, एंड यहाँ पे वाई मिलता था आपको वाई डैश प्लस के। तो यहाँ से आप मुझे एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से आप एक्स डैश लिख सकते हैं, एक्स डैश हो गया एक्स माइनस एच, एंड वाई डैश आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे वाई माइनस के। प्लीज सब्स्टिट्यूट कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। एक्स डैश आपको मिल रहा है यहाँ पे 3 माइनस 1, मुझे लग रहा है ये 2 आया है, एंड वाई डैश की बात की जाए तो ये आपको मिल रहा है 6 माइनस 3, 3 मिल रहा है क्या स्टूडेंट। एवरीवन बताइए एक बार क्या मिला आपको आंसर, सबका आंसर चेक कर लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में। तो देयरफॉर 2, 3 आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओके आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3, 6। किसी को डाउट है स्टूडेंट प्लीज बताइए, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकते हैं। आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दे देंगे, बता देंगे कि आपने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया है, ठीक है, तो आप नए कोऑर्डिनेट फाइंड करो सेम पॉइंट का, या ऐसा बता देंगे कि नए कोऑर्डिनेट बता देंगे कोई पॉइंट का, और आपको बता देंगे कि ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो और एक और हो सकता है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट बता दे आपको, न्यू कोऑर्डिनेट बता दे कोई पॉइंट का, और आपको बोले कि ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया वो बताइए। किसी को डाउट है इसमें, एवरीवन समझ में आ रहा है आपको, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। यस ओके सबको सेम ही आंसर है, कुछ अलग आया। यस अच्छा स्टूडेंट मुझे बताइए, आपने एनसीईआरटी बुक में एक्स डैश वाई डैश यूज किया था या कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अगर किसी को याद है तो आप चाहे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी यूज कर सकते हैं। कोई बता रहा है यहाँ पे, मैम, शिफ्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ओरिजिन नहीं किया है हमने। अच्छा नहीं किया है, नो ओके मैम, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, वैसे तो दिया हुआ है ये टॉपिक, हो सकता है आपने बुक में नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बहुत काम की चीज है, ये स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया था, यहाँ पे एक बार वापस से चाहिए तो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो, एक्स मैम एक्स डैश और वाई डैश तो लेते हैं, पर किसी और इक्वेशन में लेते हैं शायद। ठीक है नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनिए यहाँ पे जो हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया ना यहाँ पे, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं एक्सिस न्यू एक्सिस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स और वाई एक्सिस है ना, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने चेंज किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका न्यू एक्सिस मिला था एक्स डैश एंड वाई डैश ना, ये बेसिकली आपका जो ओरिजिनल एक्सिस था उसके पैरेलल है। मतलब आपको बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई डैश एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे मतलब एज इट इज आपने किया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है जहाँ पे जो एक्सिस रहते हैं ना, वहां पे आप कुछ एंगल से रोटेट करते हो, यहाँ पे रोटेशन नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, जस्ट आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है। मतलब यहाँ पे जो ओरिजिन हमारा स्टार्टिंग में 0, 0 कोऑर्डिनेट थे, अभी न्यू एक्सिस के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट आप बोल रहे हैं एच कॉमा के हैं, तो मतलब एक्सिस में का रोटेशन नहीं किया आपने, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक्सिस का रोटेशन करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन पढ़ा है, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट वाला आपके सामने है।
कीजिए, क्या बोला है, एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड सो दैट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 4.5 बिकम्स -3.9। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे रफ में लिख देती हूँ आपके सामने। मतलब क्या बोला है, पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट दिया है, सो दैट द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ये वाला पॉइंट, मतलब स्मॉल एक्स की बात की जाए 4 हो गया, स्मॉल वाई हो गया 5, न्यू कोऑर्डिनेट आपको दिया है, मतलब एक्स डैश दिया है आपको -3, वाई डैश दिया है आपको 9। ठीक है स्टूडेंट, आपको एच और के की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन पता है, एच आपका होता है एक्स माइनस एक्स डैश, के होता है आपके पास वाई माइनस वाई डैश। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एच हो जाएगा आपके पास 4 माइनस ऑफ -3, मुझे लग रहा है ये 4 + 3 मिला आपको, ये हो गया 7। एंड यहाँ पे के की बात की जाए स्टूडेंट, के हो जाएगा आपके पास 5 - 9, मतलब यहाँ पे -4 आ रहा है। सबका यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहे हैं स्टूडेंट, यही आ रहे हैं, देयरफॉर द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन बोल। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, सो ऐसे लिख सकते हैं द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, या ऐसा लिख सकते हैं ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस, ऐसा भी लिख सकते हो, द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, या ऐसा लिख सकते हैं ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 7, -4। ठीक है, द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 7, -4। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया, एवरीवन बताइए एक बार। ओके श्रेणी, यहाँ पे चैट में देती हूँ, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो, एक सेकेंड, चैट में भी किसी ने कुछ पूछा है क्या, नहीं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, आपको बोला है इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक्सिस को शिफ्ट किया है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट किया है, मतलब ये क्या है, ये जो दिए है आपको 1, -2, ये आपका न्यू ओरिजिन हो गया, मतलब ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो बेसिकली, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो न्यू ओरिजिन बोल सकते हैं, मतलब ओरिजिन के न्यू कोऑर्डिनेट है एच, यहाँ पे दिया है 1, के की वैल्यू है -2। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन भी किया है विदाउट रोटेशन, क्योंकि रोटेशन का कॉन्सेप्ट अलग है स्टूडेंट, वहां पे तो कोई एंगल भी आ जाता है कि किस कितने एंगल से आपने रोटेट किया एक्सिस को। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो वहां पे तो थीटा भी आ जाएगा, तो वो वाला अभी हमने किया नहीं, सिर्फ अभी बात करें कि एक्सिस को हमने शिफ्ट किया है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ओरिजिन आपका शिफ्ट हुआ है, अदरवाइज एक्स एक्सिस आपके ओरिजिनल एक्स एक्सिस के पैर, अभी जो न्यू एक्सिस आ रही है आपका, आप बोल सकते हैं न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, न्यू आप बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सिस है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो एच की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, के की वैल्यू -2। ठीक है, और क्या बोला है, जो इक्वेशन दी हुई है इसकी न्यू इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, न्यू इक्वेशन बतानी मतलब क्या करना है आपको, जो न्यू कोऑर्डिनेट है एक्स डैश और वाई डैश के टर्म्स में लिखना है इसको। ठीक है, लिख सकते हैं, तो बताइए क्या रिलेशन था यहाँ पे, आपने सबने पढ़ा था एक्स क्या होता है एक्स डैश प्लस एच, स्मॉल वाई हो गया वाई डैश प्लस के, तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे मिला एक्स आपको मिल गया है एक्स डैश प्लस 1, एंड वाई आपके पास हो गया है, ये हो गया वाई डैश प्लस के, के की वैल्यू है -2, तो ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, जो इक्वेशन मिलेगी वो एक्स डैश एंड वाई डैश में मिलेगी। ठीक है, आप चाहे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी यूज कर सकते हैं न्यू कोऑर्डिनेट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैंने यहाँ पे एक्स डैश एंड वाई डैश लिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो नंबर 1 बोल दीजिए, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन ऑफ 1 इज, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, लिख देते हैं 2 × यहाँ पे मिला एक्स डैश प्लस वन का होल स्क्वायर है, प्लस उसके बाद क्या मिल रहा है वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो गया आपके पास वाई डैश -2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद है -4y, फ्रेंड ये जो वाई डैश हम लिख रहे हैं ना अभी के लिए, क्योंकि हमने न्यू कोऑर्डिनेट्स लिए, आप जो कैलकुलस में पढ़ते हैं तो वाई डैश का मतलब अलग हो जाता है वहां पे। ठीक है,
वहां पे तो डेरिवेटिव हो जाएगा वाई डैश लिख दिया तो, ठीक है समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो ये वाले केस में तो हमने मैंने बताया नोटेशन किसके लिए लिया है, आप भी कर सकते हो यहाँ पे कि जो कोई पॉइंट है जिसके ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लिए थे, न्यू कोऑर्डिनेट को हमने एक्स डैश कोमा वाई डैश लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस फोर एक्स भी है इक्वल टू जीरो, माइनस फोर एक्स एक्स डैश प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट इसको अभी आपको सिंप्लीफाई करना है और बेसिकली जो इक्वेशन मिलेगी आपको एक्स डैश एंड वाई डैश में मिल रही है, ये आपका न्यू इक्वेशन हो गया किसका, ये इक्वेशन नंबर वन का, ठीक है। मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये इक्वेशन थी, न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से इक्वेशन ये बन जाएगी। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये वाला आगे का मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। कर सकते हैं ना स्टूडेंट ये वाला, वेरी गुड, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी हमने लिखा ही था। तो बेसिकली तो यहाँ पे हमने अभी बात करी थी कि एक्स को किससे रिप्लेस किया था, हमने यहाँ पे एक्स डैश प्लस वन से किया था, यहाँ पे माइनस वन है उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे टू एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास वाई डैश, ओके वाई को ओके वाई डैश माइनस टू लिया था यहाँ पे, प्लस टू का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे कुछ मिस, यहाँ पे प्लस एक्स है। तो एक्स की बात की जाए स्टूडेंट, एक्स आपने क्या लिखा है ऐसा, एक्स डैश प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू टू। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, बेसिकली एक्स डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वन और वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा टू इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर क्योंकि ये माइनस टू एंड प्लस टू कैंसिल एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स डैश प्लस वन इज इक्वल टू टू। यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स डैश और ये वन उधर भी भेज सकते हैं या चाहे तो टू को लेफ्ट साइड में लेके आइए तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यू इक्वेशन, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश एंड वाई डैश में आपने इक्वेशन लिख दी है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, कह सकते हैं ना स्टूडेंट ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ये वाले चिप्ट ऑफ ओरिजिन पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने सारे पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी देखिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन को हमें शिफ्ट करना है, बेसिकली ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया जाए ताकि ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट इसका जो न्यू इक्वेशन आए ना वो आपका पास किससे होना चाहिए ओरिजिन, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना चाहिए कि ओरिजिन ओरिजिन दो दो बार क्यों, यहाँ पे मैंने इसलिए स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है अगर आप इसको एक्स डैश एंड वाई डैश में लिखेंगे तो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू अगर आपने जीरो एंड जीरो ली तो इसको वो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं न्यू एक्सिस के हिसाब से भी स्टूडेंट एक्स डैश एंड वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट अगर आपने ले लिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें ये चीज बतानी है, यहाँ जस्ट ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो स्टूडेंट कि हमें ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए ताकि ये जो इक्वेशन की न्यू जो दी हुई है एक्स और वाई के टर्म में अगर मैं एक्स डैश एंड वाई डैश के टर्म्स में लिखूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, वो आपका ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है एवरीवन। तो मतलब अगर बात की जाए तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में देखिए आपको यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे वाई माइनस टू का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे फाइव इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस टू। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हमने एच को ले लिया है वन, के को ले लिया है टू, तो बेसिकली आपके पास क्या मिलेगा ये वाली चीज स्टूडेंट, तो एक्स माइनस एच, ठीक है। तो एक्स माइनस एच आपका ये क्या हो जाता है, एक्स डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एक्स माइनस एच हो जाता है एक्स डैश क्योंकि एक्स होता है आपका एक्स डैश प्लस एच, ठीक है। एंड यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट तो आपका मिलेगा वाई माइनस के, ये आपका हो जाएगा वाई डैश। अगर इसके न्यू कोऑर्डिनेट अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है वन कॉमा टू पे तो वो वाले केस में ये इक्वेशन का न्यू इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, मैं लिख के दिखा देती हूँ, एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस आपको मिल रहा है फाइव इंटू एक्स डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। किसी को डाउट है इसमें तो स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन मिली है आप चेक कर लीजिए, अगर आपने एक्स डैश और वाई डैश की जगह जीरो जीरो रखा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यही क्वेश्चन था उनका कि ये जो क्वेश्चन में बोला था कि ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया जाए ताकि ये जो इक्वेशन की नई इक्वेशन आए वो जीरो कॉमा जीरो से पास हो। समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स डैश की एंड वाई डैश की वैल्यू अगर आपने जीरो जीरो ले ली है तो ये न्यू इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है।
मतलब जो अगर बात की जाए एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू 0 एंड 0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, न्यू वाले इक्वेशन को। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। तो नो यहाँ पे ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, एट पॉइंट 1,2। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0,0, क्योंकि आप बोलेंगे ऊपर भी ओरिजिन नीचे भी ओरिजिन, तो इसके लिए कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बोल सकते हैं, ताकि जो न्यू इक्वेशन आए वो पास करे 0,0, मतलब एक्स डैश की वैल्यू 0 एंड वाई डैश की वैल्यू 0 न्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट ये वाला हो गया है। तो अब मुझे बताइए, आपने इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या 11th में स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे तो प्लीज एक बार बता दीजिए फटाफट, हम डिस्कस करें, क्योंकि स्लोप तो आपने पढ़ा है लेकिन स्लोप का जो डेफिनेशन आता है स्टूडेंट वो इंक्लिनेशन के टर्म्स में दिया हुआ है, तो पहले एक बार मुझे बता दीजिए इंक्लिनेशन का, फटाफट डिस्कस कर लेंगे हम। पढ़ा है आपने इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? मम्मी याद अच्छा याद नहीं आ रहा, कोई बात मम्मी नहीं। अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है किसी स्टूडेंट, कोई बोल रहे यहाँ पे मुझे नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फटाफट हम इंक्लिनेशन का देख लेते हैं आज, फिर स्लोप के बारे में और जो लाइन का क्या रहता है इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में कैसे लिखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हम कल कर लेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इंक्लिनेशन का दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप बोल सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो आप बोर्ड में मतलब यहाँ पे बुक में भी पढ़ा है एनसीईआरटी में, जो अभी बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं चैप्टर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो कोई लाइन है अगर मैं बोलूँ उसका इंक्लिनेशन क्या होता है, तो उसकी हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, सिर्फ इंक्लिनेशन देखेंगे यहाँ पे, स्लोप के बारे में कल देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन की बात करो श्रेणता क्या होता है ये, तो ये स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल जो थीटा है बेसिकली, ये लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, और ये जो थीटा क्या है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो एंगल थीटा को हम बोल रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। आप बोलेंगे मैम क्या बोला वापस से बता रहे, कोई भी लाइन है ठीक है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बना रही है, और वो जो थीटा एंगल है वो आपका क्या नॉन नेगेटिव एंगल होना चाहिए, तो वो एंगल को आप बोल रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं, यहाँ पे एक की यहाँ पे देखिए जो पहले वाले में ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही है एल, तो ये लाइन एल का अगर मैं इंक्लिनेशन की बात करूँ तो ये लाइन एल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम में थीटा, आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं एंगल एक्स ए बी ये थीटा है, ये हो जाएगा लाइन एल का इंक्लिनेशन। दूसरे वाले में देखिए रेड में दिख रहा है, तो ये जो लाइन एल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही, तो ये वाले केस में भी एंगल एक्स ए बी ये हो गया थीटा, इसको हम बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो स्लोप के डेफिनेशन पढ़ते हैं आप थीटा के टर्म्स में पढ़ते हो, यहाँ पे थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसके लिए मैंने दिखाया, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट, बताइए एक बार, शायद पढ़ा होगा क्योंकि उसके बिना तो अपने स्लोप की डेफिनेशन कैसे देंगे। एवरीवन कोई बताएगा पढ़ा है आपने? कोई नहीं बोल रहा है स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई लाइन है अगर मैं उसके इंक्लिनेशन की बात करूं तो वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो थीटा मेजर किया ना स्टूडेंट वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप मेजर करते हो तो पॉजिटिव आंसर आता है ना एंगल का मेजरमेंट, नेगेटिव में कब आता है माइनस साइन कब आता है जब वो क्लॉकवाइज में आप करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, कोई लाइन एल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है जो थीटा है इसको हम बोल रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है स्टूडेंट, जस्ट यहाँ पे रिमार्क देख लेते हैं आज के लिए, स्लोप का डेफिनेशन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो थीटा की बात करें स्टूडेंट, ये कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये थीटा, हम जिसको बोल रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, उसके कुछ रिमार्क पढ़ रहे हैं कि ये थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में रहेगी, 0 इंक्लूडेड है 180 एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, क्योंकि ये अगर बात की जाए कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री आप बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली वो 0 डिग्री इंक्लूड आपने ऑलरेडी कर लिया उसमें, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अभी अगर बात की जाए एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें सेकंड वाले में, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा 0 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद की जाए इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गया स्टूडेंट, सबको पता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, सब लोग 90 बोलेंगे, तो यहाँ पे हो गया इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी और क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास पैरेलल लाइन है, ठीक है पैरेलल लाइन है, तो उनका जो इंक्लिनेशन है वो आपका इक्वल आता है, मतलब सेम आता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैंने कुछ क्लिक के दिखाया है, ये लाइन है L3, ठीक है, रेड वाली लाइन L1 बोला है, इसका इंक्लिनेशन थीटा आया है L2, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट कैसे है ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा था ना आपने, करस्पोंडिंग एंगल के बारे में भी पढ़ा था स्टूडेंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, तीन पैरेलल लाइन मैंने दिखाया है, तो उनका जो यहाँ पे इंक्लिनेशन है वो सेम आता है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन है तो उनका इंक्लिनेशन इक्वल आएगा, ठीक है। मतलब L1 लाइन जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो L2 लाइन जो L1 के पैरेलल है ये भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इसको डायग्राम को रोटेट करें तो आप बोल सकते हैं कि मैम OX एक्सिस ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे करस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से यहाँ पे तीनों इंक्लिनेशन आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर लाइन पैरेलल है तो उनका इंक्लिनेशन हो जाएगा इक्वल। किसी को डाउट है तो बता दीजिए, पक्का समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया। अभी स्टूडेंट ये स्लोप का तो हम कल ही कर लेते, बेसिकली स्लोप को कैसे डिफाइन किया है, अगर आपको कोई लाइन एक दिखा देते, डोंट वरी कल करने ही वाले हैं वैसे भी, तो पूरा वो डिटेल में नहीं दिखा रही, ठीक है। कोई भी लाइन है अगर मैं उसके स्लोप की बात करूं, तो यहाँ पे अगर थीटा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है, मतलब वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है, तो हम वो लाइन के स्लोप को बोल रहे हैं टैन थीटा, ठीक है। और ये स्लोप को हम दूसरा वर्ड बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, और ये हम यूजुअली एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एम इज इक्वल टू टैन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और बाकी का डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना। समझ में आया स्टूडेंट? तो अगर मैं बात करी कोई लाइन के स्लोप की, तो यहाँ पे अगर थीटा इंक्लिनेशन है वो लाइन का, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। और यहाँ पे थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और स्लोप को हम एम से भी डिनोट करते हैं। एवरीवन, ये वाले क्वेश्चन आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना। एंड किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम।